ये साबुन के बुलबुले गोल, हमारी गेंद वो भी गोल। कभी सोचा है क्यों? मैं बताती हूँ, क्योंकि यही वो आकार है, यही वो शेप है जो अपने अंदर सबसे कम सरफेस में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम को बंद कर लेता है। और भी बहुत सारी खूबियाँ हैं इस शेप में। सोचा है गेंद गोल क्यों है? देखिए, तो हम सब जानते हैं कि इसका आकार गोल होता है। इस आकार को अंग्रेजी में स्फीयर कहते हैं। इस शेप का एक राज है, गेंद जब जमीन पर लुढ़कती है तो घर्षण उसकी मदद करता है। एक चपटे वस्तु को धक्का देने से घर्षण धक्के की विपरीत दिशा में लगता है। इसे लीनियर फ्रिक्शन कहते हैं। गेंद जैसे गोल वस्तु को धक्का देने पर वो रोल करती है और इससे रोलिंग फ्रिक्शन पैदा होती है। रोल की दिशा धक्के की उल्टी दिशा में होती है। घर्षण रोल की दिशा के उल्टी दिशा में लगता है, यानी कि धक्के की दिशा में लगता है और गेंद को आगे जाने में मदद करता है। इसीलिए ज्यादातर बॉल स्पोर्ट्स गोल आकार के गेंद का इस्तेमाल करते हैं। गेंद की एक और महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है बाउंस। अगर एक क्रिकेट बॉल को और एक गोल्फ बॉल को एक ही हाइट से फेंकें, तो देखते हैं कि क्या होता है। जब एक गोल्फ बॉल और क्रिकेट बॉल को एक ही हाइट से फेंकते हैं तो उनके बाउंस में फर्क होता है। ऐसा क्यों होता है? जब गेंद नीचे की तरफ गिरती है तब वो गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशनल फोर्स को काइनेटिक एनर्जी में बदलती है। संपर्क में गेंद पिचकती है। इससे गेंद की ऊर्जा गेंद और जमीन के इलास्टिक सरफेस में स्टोर हो जाती है। अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आने पर गेंद धक्का देकर उल्टी दिशा में जाती है। इसी को बाउंस कहते हैं। गेंद की बाउंस अपनी ओरिजिनल शेप में आने की काबिलियत पर निर्भर है। इसे इलास्टिसिटी कहते हैं। जिस गेंद की मटेरियल में इलास्टिसिटी ज्यादा हो उसमें बाउंस भी ज्यादा होता है। मटेरियल के साथ साथ बॉल के अंदर क्या है वो भी बहुत जरूरी है। एक फुटबॉल हवा से भरी होती है। हवा की इलास्टिसिटी ज्यादा होने की वजह से फुटबॉल को बेहतर बाउंस मिलता है।